नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आज लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑन टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कराने से पहले मैंने आपको टेलर सीरीज बहुत अच्छे से समझाई और लॉरेंट सीरीज बहुत अच्छे से समझाई। अब हम लोग वीडियो बाय वीडियो एक एक प्रॉब्लम को डिटेल व्यू में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, टेलर और लॉरेंट सीरीज के ऊपर। फिर इसके ऊपर हम लोग दो तीन और वीडियो बनाएंगे जिससे हम लोग आराम आराम क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन को हम लोगों को एक्सपेंड करना है। तीन रीजन दिए हुए कि मॉड जेड 0 से 1 के बीच में, मॉड जेड 1 से 2 के बीच में और मॉड जेड 2 से हायर रीजन में। तो हम लोग बहुत आराम से चलेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो फंक्शन है इसको आपको सिंपल मैनर में लिखना होगा। जैसे कि ये जो एफ जेड है, क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ये दिया हुआ है। आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आपको फंक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी कि जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 के फॉर्म में। ऐसे अगर कोई भी क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक में हो या किसी भी हो, आपको उसको ब्रेक करके पर्टिकुलर पार्ट में लिखना होगा। फिर क्या करेंगे आप, क्योंकि हम लोगों को एक्सपेंड करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब आप इसको जरा सॉल्व करिए, जेड माइनस 1 ऊपर जाएगा, उधर जाएगा माइनस जेड, तो जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या है, माइनस 1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 2, यानी कि माइनस 1 प्लस 2 क्या हुआ, 1। तो यही चीज दी हुई है, इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब हम लोगों का काम यहां से स्टार्ट होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो जरा देखेंगे कि हम लोगों के एम क्या है। सबसे पहले अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी और ऐसे रीजन दिए हुए होंगे तो काम ये करेंगे कि हम लोग इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 में। हम लोगों का एम क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 में इसको कन्वर्ट करना है। अब आपको इन दोनों के एक्सपेंशन पता ही होंगे, क्या होता है 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन की पावर माइनस 1 का, कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ऐसे चलता चला जाता है, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, ऐसे ये कंटिन्यू रहता है। यानी कि आपको ये चीज आनी चाहिए, जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे किसको, कोई भी फंक्शन को, ठीक है। ये हम लोगों का पहला एम क्या है, हम लोगों को 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की पावर होल पावर माइनस 1 में कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट लेते हैं हम लोग। पहला पार्ट का जो रीजन दिया हुआ है वो है कि जो मॉड जेड है, यानी कि जो z की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। हमने कहा ठीक है, फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग टेलर्स थ्योरम को प्रूव कर रहे थे या जब लॉरेंस थ्योरम को प्रूव कर रहे थे, कि डिनोमिनेटर से सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। सबसे बड़ी वैल्यू निकालने का मेन हम लोगों का पर्पस है कि हम लोगों को कन्वर्जन करनी है सीरीज का एक्सपेंशन। इसके लिए अब यहां पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि जेड बड़ा है कि टू बड़ा है, कि जेड बड़ा है कि वन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें हम लोगों को बिगर टर्म्स को बाहर निकालना है, तो उसके लिए कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको निकालना है, उसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सेंटर माना ओरिजिन का और जिसका रेडियस है 1, ठीक है, 1 क्या है इसका रेडियस, ठीक।
वन क्या है रेडियस, और जो जेड मॉड जेड है वो सर्कल के वन है, जो सर्कल है वन जिसका रेडियस वन है उसके अंदर है, ठीक है। यहां पे हमारा जेड है, जेड की वैल्यू जो मॉड जेड है वो जीरो से बड़ा और वन से छोटा, यानी कि सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बात क्लियर, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस वन, और रीजन सेलेक्ट किया कि जेड कौन से रीजन में आ रहा है, तो वो सर्कल के अंदर वाले रीजन में आ रहा है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि जो मॉड जेड है वो एक से छोटा, एक से छोटा यानी सर्कल के अंदर, ठीक। अब देखिए जरा यहां पे जेड और टू में कौन बड़ा है। अब आपको पता है कि जो मॉड जेड है, जो जेड है वो सर्कल के अंदर है यानी कि वन से छोटा, तो भाई टू से भी तो छोटा ही होगा, तो कौन बड़ा हुआ यहां पे, टू, क्योंकि जो हमारा मॉड जेड है वो वन से छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो टू से छोटा होगा। अब हम लोगों को टू तो निकालेंगे ही, ऐसे लगाना है कि हम लोग इस फॉर्म में आ पाए, यानी कि वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स के फॉर्म में, तो क्या करेंगे माइनस टू बाहर निकालेंगे, तो जब माइनस टू बाहर निकालेंगे तो आएगा वन माइनस जेड अपॉन टू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस टू, टू टू कैंसिल प्लस जेड। क्यों हमने ऐसा किया कि हम लोगों को वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स के फॉर्म में इसको लाना है। अब यहां पे आइए, जेड और वन में कौन सा बड़ा, आप माइनस माइनस में मत जाइए, न्यूमेरिकली देखिएगा कि जेड और टू में कौन बड़ा है, जेड और वन में कौन बड़ा है। तो देखिए जेड और वन में कौन बड़ा है, जेड, क्योंकि जो वन है पॉइंट है वो यहां पे है और जो जेड है वो हमारा अंदर है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है, वन, तो ऐसे निकालेंगे कि माइनस वन, वन माइनस जेड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वन माइनस एक्स या वन प्लस एक्स, तो यहां पे हम लोगों को क्या काम करना होगा, टेक आउट बिगर टर्म एस कॉमन, यानी कि जो हम लोगों का मेन एम होगा वो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा टर्म होगा उसको बाहर निकालेंगे, और सबसे बड़ा टर्म कैसे देखेंगे हम लोग, फिगर को ड्रॉ करके। अब ये हम लोगों का बहुत आसान हो गया है, अब आप खुद देखिए माइनस वन बाई टू, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस जेड अपॉन टू की होल पावर माइनस वन, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया वन माइनस जेड की होल पावर माइनस वन, ठीक है। तो अब इसको जरा हम लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, इसका हम लोगों ने एक्सपेंशन यहां पे देखा हुआ है तो वैसे एक्सपेंड करेंगे, तो वन प्लस जेड अपॉन टू की होल पावर वन, जेड अपॉन टू की होल पावर टू, जेड अपॉन टू की होल पावर थ्री, और ऐसे चलता चला जाएगा। यहां पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वन प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वन बाई टू समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट जेड अपॉन टू की पावर एन, ठीक है, कोई हम लोगों ने नहीं, जब आप जीरो पुट करेंगे तो आएगा वन, जब आप वन पुट करेंगे तो आएगा जेड अपॉन टू, जब आप टू पुट करेंगे तो आएगा जेड अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट जेड की पावर एन, ठीक, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको और अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते कि समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन, ठीक है, यानी कि जो टू की पावर एन है, एक ये टू है तो टू की पावर एन प्लस वन, ये माइनस,
प्लस वन की होल z की पावर n, यानी कि हम लोगों ने z की पावर n कॉमन ले लिया और इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया, यानी कि जो फंक्शन fz था, क्या था फंक्शन fz, उसको कैसे हम लोगों ने एक्सपेंड किया, सबसे पहले क्या किया हम लोगों को बिगर टर्म बाहर निकालना है, और बिगर टर्म कैसे बाहर निकालेंगे हम लोग कि जो सर्कल है उसको फिगर को ड्रॉ करेंगे, फिगर को ड्रॉ करने के बाद चेक करेंगे कि जेड हमारा कहां लाई कर रहा है, ठीक है। अब जब दूसरा हम लोग पार्ट करेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए अब इसका सेकेंड पार्ट जो कि है वन मॉड जेड टू, यानी कि जो मॉड जेड है वो वन और टू के बीच में, तो ठीक है अब हम लोगों को एक्सपेंड करना है इस रीजन में। तो fz हमारा क्या है, fz है हमारा 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। अब ये क्वेश्चन आता है कि z और 2 में कौन सबसे बड़ा है और z और 1 में कौन सबसे बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जिस सर्कल को बना रहे हैं उसका रेडियस है 2, ठीक। अब दूसरा सर्कल जो है वो रेडियस 1 का है, ठीक। अब पॉइंट Z इस रीजन के बीच में है, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का जो रीजन है ये हमारा Z है, ठीक, ये हम लोग क्लियर हैं, यानी कि Z क्या है ये। अब Z और 2 की बात हो रही है, तो पॉइंट 2 तो यहां पे है भाई, ठीक, और पॉइंट z यहां पे है, यानी कि z, तो जो पॉइंट z है यानी कि जो मॉड z है, यानी कि जो न्यूमेरिकली z है वो 2 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि ये सर्कल के अंदर आ रहा है और 2 सर्कल के ऊपर है यानी कि बाउंड्री पे है, तो पॉइंट 2 ये रहा और z ये रहा, तो 2 और z में कौन बड़ा हुआ, 2 बड़ा हुआ, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे बाहर, माइनस 2 1 माइनस z अपॉन 2। अब हम लोगों ने माइनस टू क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स में इसको लाना, इसलिए हम लोगों ने 1 माइनस जेड अपॉन 2 किया। अब यहां पे देखिए जो पॉइंट 1 है वो यहां पे है और पॉइंट z यहां पे है, यानी कि न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो मॉड z हमारा क्या है, बड़ा किससे, मॉड 1 से, यानी कि 1 से, ठीक है। तो z को अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो z को जब बाहर निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस z। अब ऐसा हम लोग करते क्यों है, जिससे हम लोगों की जो सीरीज एक्सपेंशन हो वो कन्वर्जेंट हो, इसलिए हम लोग सबसे बिगर टर्म्स को बाहर निकाल लें। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस z अपॉन 2 की होल पावर माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन z 1 माइनस 1 अपॉन z की होल पावर माइनस 1, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने 1 माइनस x और 1 माइनस x के फॉर्म में इसको ले आए। आप देखिए जरा इसको माइनस 1 अपॉन 2, अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 प्लस मॉड z का फिर मॉड z अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहां पे देखेंगे तो माइनस 1 अपॉन z 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z क्यूब, ये इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा, ठीक। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और कि माइनस 1 अपॉन 2 समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट z अपॉन 2 की पावर n, ठीक, माइनस 1 अपॉन जेड, या आप इसको अलग समझिएगा, ये माइनस ये है माइनस माइनस 1 अपॉन जेड समेशन एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन जेड की होल पावर एन, यानी कि जब एन 0 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर एन 1 रखेंगे तो 1 अपॉन जेड, ऐसे ही सीरीज को हम लोगों ने ऐसे लिखा। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, शायद जैसे लिखा है सही है, तो ये हम लोगों का क्या आ गया आंसर, ठीक है।
अब हम लोगों का जो थर्ड रीजन है, अब बोर्ड छोटा है तो मैं आपको इसको रब करके आपको थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट, अब क्या कह रहे हैं कि जो मॉड जेड है इज ग्रेटर देन टू, तो फिर से हमारा एफ जेड क्या है, एफ जेड है हमारा वन अपॉन जेड माइनस टू माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन। अब हम लोगों को सेलेक्ट करना है बिगर टर्म, कैसे निकालेंगे, तो फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है टू, ठीक है, और जो आपकी z है यानी कि जो मॉड z है वो सर्कल के बाहर है, ठीक है, यानी कि बाहर का रीजन, ये सब जितना भी है ये सब क्या है, ये z है, ये सब z है, ठीक। अब देखिए पॉइंट टू तो हमारा ये रहा और z हमारा ये रहा, ठीक। अब बिगर टर्म देखना है हमें, तो z और 2 में कौन बड़ा है, अब आप खुद देखिए कि जो z है वो सर्कल के बाहर है, तो न्यूमेरिकली जो z होगा यानी कि मॉड z वो ऑब्वियस सी बात है 2 से बड़ा होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या है 2, तो z को बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 2 अपॉन z। अब भैया जो 2 से बड़ा है वो 1 से भी बड़ा ही होगा, तो z 1 माइनस 1 अपॉन z, ठीक है। अब हम लोगों का 1 माइनस x की फॉर्म में आ गया है, तो इसको हम लोग अब एक्सपेंड करने वाले हैं कि पावर माइनस वन माइनस वन अपॉन जेड, वन माइनस वन अपॉन जेड पावर माइनस वन। अब वन अपॉन जेड, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, वन प्लस टू अपॉन जेड, टू अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस वन अपॉन जेड, वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर एंड सो ऐसे चलता चला जाएगा, तो वन अपॉन जेड समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट टू अपॉन जेड होल पावर एन माइनस वन अपॉन जेड समेशन एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट वन अपॉन जेड की होल पावर एन। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट टू की पावर n माइनस वन वन अपॉन z की पावर n प्लस वन, यानी कि z की पावर n है नीचे और वन यहां पे भी z है, तो यह हो गया z n प्लस वन, यहां पे भी z की पावर n है और एक z यानी कि z की पावर n प्लस वन, तो z की पावर n प्लस वन हमने बाहर निकाल लिया टू की पावर n माइनस वन, और ये हम लोगों का fz का एक्सपेंशन आ गया, किस रीजन में, जब हमारा मॉड z 2 से बड़ा हो। तो आज हम लोगों ने fz को एक्सपेंड किया पहले 0 से 1 के रीजन में, 1 से 2 के रीजन में और 2 से बाहर के रीजन में उसको हमने एक्सपेंड किया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे बिगर टर्म कैसे निकालते हैं फिगर को ड्रॉ करने पे। इसकी प्रैक्टिस हम लोग और जब हम लोग वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे तो उस पर और अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।